अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर और आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। आज की वीडियो दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो अमीन है यूके ट्रैवल करने जा रहे हैं और सवाल से परेशान है कि हमसे यूके इमिग्रेशन वाले किस किस्म के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप दोस्तों के सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन रखूंगा जो आपसे यूके इमिग्रेशन वाले पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप उन क्वेश्चन के आंसर कैसे कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी एयरपोर्ट पे फेस ना करनी पड़े। तो आई एम श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल कैपेबल एनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चन मिस ना कर दें जिसका आपको इल्म ना हो। यूके के वाले से ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए जरूरी है कि आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। तो चलते हैं आज की वीडियो तरफ और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को जो के यूके इमिग्रेशन वाले आपसे पूछ सकते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों के साथ एक यहाँ पे चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि वो ये है कि आई मीन मोस्टली जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो डिफरेंट आई मीन लोकेशन से हैं, डिफरेंट कंट्रीज से हैं। आई एम अफ्रेड कि वो हिंदी को या उर्दू को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जो कि इसलिए मुझे कमेंट है कि आप अपनी वीडियोज में सब टाइटल्स ऐड किया करें ताकि हम लोग आपकी वीडियोज को प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सके। तो मैंने इस पर वर्कआउट किया और अलहमदुल्ला मैंने लास्ट कुछ वीडियोज में सब टाइटल्स ऐड करने स्टार्ट कर दिए। तो आई एम श्योर आपके बाद आपको अभी ने लैंग्वेज के हवाले से कोई इशू नहीं होगा। चलिए सबसे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके साथ कुछ ऐसे एयरपोर्ट पे होता है तो आपने उस सिचुएशन में क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि डेफिनेटली आप यूके में नहीं होंगे, आपको कम्युनिकेशन का इशू हो सकता है, आप उनके एक्सेंट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड ना कर पाए। तो इस सूरत में ये करना है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आप उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप उनको क्वेश्चन रिपीट करने का कहे। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता और आप उसका गलत आंसर कर देते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इन शॉर्ट अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं होता तो आप उनको रिपीट करने का कहें। देन दूसरी बड़ी जो चीज होती है वो होती है जी आपने ऑनेस्टी के साथ उनको आंसर करने हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाए उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं, यस या नो, और इन बिटवीन वाला जो रास्ता है ना वो बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पे आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देना है कि हाँ और या फिर ना, फिर वो भी आगे से बता देंगे हाँ या फिर ना। ये नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आपको होम ऑफिस की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स कहे गए थे कि ट्रैवल करने के दौरान ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स आपको कहे गए थे वो आपके पास जरूर होने चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपको चार डॉक्यूमेंट्स कहे गए थे, इसका आपने प्रिंट आउट लेकर अपने साथ लेके आना है, आप उन्हें अपनी तरफ से सेटिस्फाई करने की कोशिश ना करें कि मैं भूल गया और ये हो गया वो हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर आप नहीं लेके आए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दें कि मैं नहीं लेके आया। बॉटम लाइन ये है कि आप अपनी तरफ से कोई आई मीन एक्सक्यूजेज या आर्गुमेंट्स दे के ऑफिसर्स को जाने की कोशिश मत कीजिएगा। हो सकता है कि वो आपके केस से बिल्कुल सेटिस्फाई हो लेकिन आपके आर्गुमेंट्स की वजह से वो इरिटेट होकर आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे। आप इस चीज का खास ख्याल रखें और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि जितना आपसे कोई क्वेश्चन पूछे आप उतना ही उसका आंसर करें, ठीक है। अगर आपसे आपका नाम पूछा गया तो आप अपना नाम ही बताएं, ना कि अपने फादर का नाम बताएं या फिर और मामला डिस्कस करना शुरू कर दें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश में अपने लिए ऑटोमेटिकली खुद ब खुद मुश्किल खड़ी कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर आप गैर जरूरी इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है कि उसमें से वो आपसे मजीद कोई क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें, तो इससे ये होगा कि आप मजीद मुश्किल में फंसते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जितना आपसे पूछा जाए आप उतना ही आंसर करें, चाहे वो आपका जॉब का इंटरव्यू हो या किसी भी किस्म का इंटरव्यू हो, जितना आपसे पूछा जाए आप उतना ही उनको आंसर करें ताकि आप मजीद मुश्किलात से बच जाएं। चलें जी अब उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपसे अमीन यूके इमिग्रेशन वाले पूछ सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप इमिग्रेशन डेस्क पे जाएंगे तो वहां पे आप अपना पासपोर्ट उनको प्रेजेंट करेंगे, वो पासपोर्ट की जो पिक्चर होगी आपकी जो फिजिकल प्रेजेंस होगी वहां पे उससे मैच करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि आपका जो पासपोर्ट है वो आपसे ही बिलोंग करता है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी आपके पासपोर्ट के अगेंस्ट। नेक्स्ट आपसे बीआरपी कार्ड के बारे से पूछे जा सकते हैं कि बीआरपी कार्ड आपने कहाँ से कलेक्ट करना है, उस हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। तो बीआरपी कार्ड बेसिकली बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट और ये हमारे बिल्कुल होम कंट्री के आईडी कार्ड जैसा होता है जिसके ऊपर आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और उसके अलावा आपके अमीन जो वीजा है उसकी एक्सपायरी क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपने यहाँ आने के बाद फॉरन कलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होती है बीआरपी कलेक्ट करने के लिए कि आप यूनिवर्सिटी से कलेक्ट कर सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने ट्रैवल करने से पहले यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन लेनी है कि मैंने अपना जो बीआरपी कार्ड है वो कहाँ से कलेक्ट करना है, आया मैंने यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करना है या फिर पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करना है। तो कहने का मतलब है कि ट्रैवल करने से पहले आपके पास कंफर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप यूके इमिग्रेशन वालों को कंफर्म कर सके। नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं उनमें सबसे पहले आपसे
पूछा सकता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताएं, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे। देन आपसे अपने कोर्स का पूछा जा सकता है, अपना कोर्स का बताएंगे। उसके अलावा आपसे अपनी लोकेशन का पूछा जाएगा कि आप कहाँ पे स्टे करने जा रहे हैं। उसके अलावा आपके लोकेशन से यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस कितना है और आप किस तरह ट्रैवल करने जा रहे हैं, चाहे आप बस के थ्रू ट्रैवल करेंगे या फिर ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करेंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे एक सिनेरियो डिस्कस करना चाहूंगा कि लेट्स सपोज आप सितंबर इनटेक में आ रहे हैं, आपकी जो क्लासेस है वो फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने जा रही है, लेकिन आपका जो वीजा है वो आपको पता है कि मुझे टाइम पे नहीं मिलने वाला, तो देन आप क्या करेंगे। डेफिनेटली उस पर क्या होता है कि कैश लेटर पे बकायदा डेट मेंशन होती है या यूनिवर्सिटी की तरफ से डेडलाइन दी जाती है कि आपने इस डेट से पहले पहले आपने यूके में इन होना है, लेकिन वीजा डिले होने की वजह से आप टाइम पे यूके नहीं पहुंच पाएंगे, तो इस सूरत में आपने क्या करना है। तो इस सूरत में आपने करना क्या है कि आपने यूनिवर्सिटी को ईमेल करना है और हर यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइजरी टीम होती है, आप उनसे डिस्कस करें अपना केस और उनको बताएं कि मेरा वीजा डिले है और मैं टाइम पे यूके नहीं पहुंच पाऊंगा, तो आप मुझे डॉक्यूमेंट्री को प्रूफ दें ताकि अगर यूके इमिग्रेशन वाले में से क्वेश्चन पूछे उनको मैं दिखा सकूं कि यूनिवर्सिटी ने मुझे अलाउ किया है, मैं इस डेट के बाद भी ट्रैवल कर सकता हूं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होगा तो यूके इमिग्रेशन वाले आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। अगर खुदा ना आस्ता आप इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाते तो आपको वापस भी भेजा जा सकता है। चलें जी अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, दूसरा आपके पास अपनी फ्लाइट की टिकट होनी चाहिए, तीसरा आपके पास कैश लेटर होना चाहिए जो आके आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू किया गया था, जिसको आपने वीजा फाइल करते हुए यूज किया वो आपके पास होना चाहिए। देन फोर्थ पे आ जाता है कि आपकी जो भी यूनिवर्सिटी से डिस्कशन होंगी, मैंने जो कि बताया कि अगर आप डेडलाइन पे नहीं पहुंच पाते तो उस सूरत में आप डेफिनेटली यूनिवर्सिटी से कोई ना कोई परमिशन तो लेंगे, तो वो जो ईमेल पे आपकी डिस्कशन होगी आपने उन ईमेल्स को भी प्रिंट आउट कर लेना है। लास्ट में आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स भी प्रिंट आउट कर लेने हैं जो आपने वीजा फाइल करते हुए वहां पे अपलोड किए थे। बेसिकली ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास हार्ड कॉपीज में होने चाहिए। ये पॉसिबल क्वेश्चन थे जी स्टूडेंट वीजा के हवाले से, अगर आप एज अ स्टूडेंट ट्रैवल कर रहे हैं। आप कुछ डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं तो उस सूरत में आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जी वर्क परमिट के हवाले से अगर हमें डॉक्यूमेंट्स या फिर क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, दूसरा आपके पास कॉस्ट लेटर होना चाहिए जो कि स्पॉन्सर की तरफ से आपको इश्यू किया गया था जिसकी बेस पे आपने वीजा फाइल किया था, तीसरा आपके पास स्पॉन्सर के हवाले से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी कि आपका स्पॉन्सर कौन है, आपकी कंपनी क्या है, व्हाट्सएवर का बिजनेस क्या है, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। देन आपसे पूछ जा सकता है कि आपने उनसे कॉन्टेक्ट कैसे किया, आपने जॉब वगैरह कैसे सर्च की, व्हाट्सएवर। चौथा अगर आपने वहां पे अपने एक्सपीरियंस लेटर को शो किया है तो वो एक्सपीरियंस लेटर भी आपके पास हार्ड फॉर्म में होने चाहिए। उसके अलावा आपको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन का पता होना चाहिए कि आप कितने घंटे काम करेंगे और आपका पे रेट क्या है और आपकी एनुअल पे क्या होगी, आप कहाँ पे स्टे करने जा रहे हैं और आपकी ट्रैवलिंग डिस्टेंस क्या है, व्हाट्स एवर। तो कहने का मतलब यह है कि आपको जॉब के हवाले से और स्पॉन्सर के हवाले से वो तमाम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि किसी भी एक एम्प्लॉय के पास होती है। तो दोस्तों ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन है यूके इमिग्रेशन के हवाले से। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन हो जो कि आपको क्लियर ना हुआ हो, आप मुझे वीडियो का मैसेज पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।